सावन का महीना है। भक्त अलग अलग तरह के कष्ट सहकर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए गंगा नदी से जल लेने जा रहे हैं। इतने पवित्र वातावरण में भी चोर मंदिरों को अपना निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला फरीदाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग के अजरौंदा गांव के पास मौजूद प्राचीन शिव मंदिर का है, जिसमें रात के समय एक चोर ने मंदिर के दान पात्र से चोरी कर ली और हजारों रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी चोर किसी थैले में पैसे लेकर जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए तो आरोपी सबसे पहले मंदिर की दीवार फांद कर अंदर घुसता है और फिर दान पात्र तोड़कर पैसे निकाल लेता है। यहाँ सावन का जो वो चल रहा है ना महीना, उसके अंदर कावड़ों का आना और कावड़ जाने का जो सिस्टम जो चल रहा है, उसके अंदर हमारे यहाँ से कल शाम को यहाँ से लगभग 5 डाकावड़ गई थी। उसके अंदर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग यहाँ रहे हैं। उसके बाद कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है हम हर किसी पर नजर नहीं रख सकते। उसके अंदर कोई ऐसा तत्व भी आया जिसको पूरे मंदिर के बारे में जानकारी थी कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। और उसके बाद वो मंदिर के लगभग मंदिर बंद होने के बाद लगभग 3:15 बजे करीब फिर वो दीवार फांद के जो एज पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कूद के आता है। कूद के आने के बाद मंदिर में घुसता है, ये ताला खुलता है, ये हनुमान मंदिर में घुसता है। दान पात्र खुलता नहीं है उससे। फिर वो उस साइड में हमारे संबल रखा हो जो हमारे हथियार रखे रहते हैं, जो हमारे जो खोदने के लिए खूंटे लगाने के लिए या फिर कोई गड्ढा खोदने के लिए जो संबल वगैरह रखे हुए हैं उस तरफ रखे रहते हैं। तो उसको वो पता था कि संबल वहां रखे हुए हैं, उसको पूरी जानकारी है कि क्या चीज कहाँ पर रखी। वो संबल लेके आया, संबल लेके उसने तोड़ा और इसमें से लगभग 35 से 40 हजार रुपए जो हमारा इकट्ठा था वो उसको निकाल के और कट्टे अंदर डाल के और उसको लेके वापस निकल जाता है यहाँ से। 6 बजे मंदिर के जो महासचिव हैं दिवाकर सिंह, उनका फोन आया, कहता सर मंदिर में चोरी हो गई है। तो उन्होंने ये बताया कि मंदिर में जो हमारे हनुमान जी की मूर्ति है उसके साथ में एक हमारा दान पात्र फिक्स किया हुआ था, सीमेंटेड था। उन्होंने कहा कि जी वो दान पात्र उखाड़ा है और उखाड़ के उसमें से उसको तोड़ा है और उसमें से जितना भी दान राशि थी वो लगभग 35-40 हजार के आसपास बता रहे हैं कि क्योंकि कई महीनों से ये दान पात्र खुला नहीं था, वो सबको वो भर के और ले गया है। हमारे यहाँ मंदिर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उसमें वो मंदिर की दीवार से फांदता हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है। चोरी का पता चलते ही ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को फोन कर सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर अज्ञात चोर पर केस दर्ज कर लिया। चोरी हुई है, देख के इसमें मुकदमा दर्ज कर देंगे, तत्काल समय दे दी, जो नियमानुसार कार्रवाई अमल लाएंगे और चोर को जल्द पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। कुछ सीसीटीवी के बारे में भी कुछ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया भाई कौन इंसान था कौन नहीं था, उसके पता करेंगे, पता लगाएंगे, जैसे पता लगे उसको गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज जरूर लग चुका है, मगर उससे चोर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। देखना होगा कि आरोपी को पुलिस कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।